हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय विजन इंस्टीट्यूट। मैं नूर सलाम आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। आइए हम बात करते हैं आज की फास्ट ट्रैक करंट अफेयर्स के बारे में। 5 मिनट 5 करंट। सबसे पहले हम शुरू करते हैं मनी ऐप। हाल में ही आरबीआई के द्वारा लॉन्च की गई एक ऐप है जिसका फुल फॉर्म है मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर। ये ऐप किसके लिए बनाई गई है? ये ऐप विजुअली चैलेंज लोगों के लिए, मतलब वो लोग जो दृष्टिहीन होते हैं, सही से देख नहीं पाते हैं, ये ऐप उनके लिए बनाएगी ताकि वो नोट के पहचान कर सके। गांधी सीरीज के जितने भी नोट्स हैं उनकी पहचान करने के लिए ये बनाया गया है। ठीक, तो मनी ऐप से दो क्वेश्चन बन सकते हैं, किसने लॉन्च करी? आरबीआई ने। दूसरा, इसका फुल फॉर्म। और तीसरी चीज़ जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, किसके लिए बनी है? विजुअली चैलेंज लोगों के लिए। इसके बाद आते हैं हम अगले नंबर पर, पटोला साड़ी को आगे जाने से पहले हमें देखना है व्हाट इज़ पटोला। पटोला एक प्रकार का सिल्क होता है। इस सिल्क के बारे में अगर हम बात करें तो भारत में एक जाति पाई जाती है, सालवी जाति। सालवी जाति कहाँ पे पाई जाती है? महाराष्ट्र और कर्नाटक में। और महाराष्ट्र और कर्नाटक में ये जाति क्या बनाती है? इस विशेष प्रकार के सिल्क को बनाती है। अब ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि हाल में ही खादी और विलेज इंडस्ट्री कमीशन ने, जिसका नाम है शॉर्ट में KVIC हम बोलते हैं, इसने अपना एक प्रोग्राम लॉन्च किया है। कहाँ पर? गुजरात में। और इस प्रोग्राम के तहत ये पटोला साड़ी बनाएंगे। और ये पटोला साड़ी कहाँ पे बनेगी? गुजरात में ही बनेगी। ध्यान रखिएगा, दो अलग अलग क्वेश्चन है। पटोला सिल्क कहाँ पाया जाता है? महाराष्ट्र कर्नाटक। और पटोला साड़ी का जो प्रोजेक्ट है वो कहाँ पर शुरू हुआ? गुजरात। अब आते हैं हम आज की तीसरी बड़ी करंट अफेयर पर, टर्टल रिहैब सेंटर। ठीक है, टर्टल रिहैबिलिटेशन सेंटर भागलपुर बिहार में इस्टेब्लिश किया गया। कहाँ पर? भागलपुर बिहार। हमारे पास 500 से भी ज़्यादा अलग अलग प्रजाति के टर्टल्स के लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर यहाँ पे बनाया गया है। कहाँ पर? भागलपुर। भागलपुर गंगा नदी के करीब है, इसलिए इस सेंटर को वहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया है। ये भारत का अपने आप में प्रथम टर्टल रिहैबिलिटेशन सेंटर है। बड़ा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। इसके बाद आते हैं प्रोजेक्ट नेत्र। प्रोजेक्ट नेत्र आपका एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके द्वारा आप इसरो ने क्या बनाया है? टेलीस्कोप। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा प्रोजेक्ट नेत्र क्या है? ये एक टेलीस्कोप है। इसको किसने बनाया? इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? इसरो। इसरो की अगर हम बात करते हैं तो इसरो कब बना, ये याद रखिएगा दोस्तों। इसरो का आजकल बड़ा न्यूज़ में चल रहा है क्योंकि इसरो से बहुत सारी करंट बन रही है। इसरो के बारे में अगर हम बात करें तो इसरो बना 15 अगस्त 1969 में। और हु इज़ द फाउंडिंग फादर ऑफ इसरो? इसरो का फाउंडिंग फादर कौन है? विक्रम साराभाई। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं इसरो में अगर करंट चेयरमैन कौन है। इसरो के करंट चेयरमैन है K. सिवान। अभी हाल में ही चंद्रयान हमारा जो गया था उसके डायरेक्टर भी थे, तो इसे याद रखिएगा। काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं जो यहाँ से बनते हैं। इसरो आजकल बड़ा न्यूज़ में है। इसके बाद आते हैं अगले करंट अफेयर्स पे, खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन कहाँ पर हुआ है? एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन भारत में कहाँ हुआ? गुवाहाटी। भूलिएगा मत, इसे ध्यान रखिएगा। ये तो 5 करंट अफेयर्स हैं। इसके साथ आपके जो प्रमुख पहले हफ्ते के दिवस हैं जनवरी महीने के, उनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। जनवरी के 4 जनवरी, 9 जनवरी, 10 जनवरी और 12 जनवरी, ये जनवरी के डेज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पहला है वर्ल्ड ब्रेल डे। लुईस ब्रेल की याद में ये मनाया जाता है। लुईस ब्रेल ने वो ब्रेल लिपि का डेवलपमेंट किया था। ब्रेल लिपि जो अंधे लोगों को पढ़ने में मदद करने वाली एक लिपि होती है। 9 जनवरी को मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस। गांधी जी की याद में हम ये दिवस मनाते हैं। गांधी जी 9 जनवरी 1915 में भारत लौट के आए थे, तो उन्हीं की याद में हर साल हम प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं 2003 से। कब से? 2003 से। फिर आते हैं वर्ल्ड हिंदी डे 10 जनवरी और नेशनल यूथ डे। नेशनल यूथ डे कब मनाते हैं? 12 जनवरी। ये याद रखिएगा दोस्तों, प्रवासी भारतीय दिवस हम कब से मनाते हैं? 2003 से, भूलिएगा नहीं। ये हो गई हमारी आज की फास्ट ट्रैक 5 करंट अफेयर, 5 मिनट 5 करंट अफेयर्स। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।